हरीम, जी बाबा आपने बुलाया मुझे। इधर आओ। बैठो। तुमने सबीन के साथ उसके कजन को देखा था, आरिफ को? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कितनी झूठी है, धोखेबाज है और वो क्या करना चाहती है। लेकिन अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उस पर एतबार करना है तो ठीक है। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने समीन के साथ एक साया सा देखा था। और वो साया समीन के साथ था। बाबा देखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एक साया सा था और हाँ, फुसर फुसर की आवाजें आ रही थी। और मेरे वहां पहुंचते ही वो साया वहां से भाग खड़ा हुआ। भाई ये देवरानी जिठानी का जलापा कोई नई बात तो है नहीं। तुम मुझे जरा ये बताओ कि जो कुछ भी तुमने उस वक्त देखा था वो वाकई देखा था या महज तुम्हारी जेलसी है जो तुम उस बच्ची की जिंदगी के साथ साथ फराज का घर भी खराब करने पे तुली हुई हो। पुपो, आप तो अभी अभी यहाँ आई है ना, इसी समीन की इन हरकतों से और उसकी फितरत से वाकिफ नहीं है? और ये पहली दफा नहीं है, समीन तो इससे पहले भी इस तरह पकड़ी जा चुकी है और तब तो इनफैक्ट फराज ने खुद उसको पकड़ा था। क्यों फराज, बताओ मैं गलत कह रही हूँ क्या? भाई 100 बातों की एक बात, वो बच्ची समीन और उसके घर वाले मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात को पत्थर की लकीर समझो, लेकिन बहरहाल एक जिंदगी गुजारी है, कुछ तो परख है इंसान की। वो बच्ची समीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जैसे तुम कह रही हो। क्या तुम कुराने पाक पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि जो तुम कह रही हो वो सच है? कैसी बातें कर रही हो हलीमा? कुराने पाक जैसी मुकद्दस किताब, ये घरेलू मामलात के फैसलों के लिए नहीं है। और हो सकता है कि समीन के वालिद साहब झूठ बोल रहे हो। मेरा मतलब है कि आरिफ वहां था, उनके साथ था, ये किसने देखा? आपने देखा पुप्पू? बाबा आपने देखा? आपने या फराज, तुमने आरिफ को देखा वहां? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सिर्फ तुम सच्ची हो और समीन के बाप झूठे? पुप्पो देखे, मैं वजू से हूं। अभी कुछ देर पहले ही आप मेरे कमरे में आई थी और आपने खुद देखा था कि मैं नमाज पढ़ रही थी, फिर भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। तो ठीक है, मैं कसम खा लेती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। बस खबरदार, अब किसी ने अगर कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब का नाम भी लिया तो। फिर कैसे पता चलेगा सच क्या है? अभी पता चल जाएगा। फराज मेरे साथ चलो, सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं, अगर हरीम ने कोई साया देखा है तो वो कैमरे की आंख से नहीं बच सकता। आओ मेरे साथ।